दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग होंडा कंपनी की न्यूली बाइक होंडा साइन 100 को कंपेयर करने वाले हैं हीरो कंपनी की HF डिलक्स से। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और कंपेयर करके आप लोग को बताने वाले हैं कि इन दोनों में आप लोग को प्राइसिंग में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है और 2023 में आप लोग को इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक और स्कूटी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग डिफरेंस को देख लेते हैं। तो साइन 100 की अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 64,900 रुपए एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। यही बात करें हीरो HF डिलक्स की तो इसका जो प्राइस है वो लगभग आप लोग को 67,768 रुपए देखने को मिलेगा एक्स शोरूम। तो यहाँ पर अगर प्राइसिंग डिफरेंस की बात करी जाए तो यहाँ पर लगभग आप लोग को HF डिलक्स जो है वो लगभग आप लोग को 2,800 रुपए ज्यादा महंगी देखने को मिलने वाली है। अब बात कर जाए यहाँ पर फीचर्स के बारे में तो इन दोनों ही गाड़ियों पे आप लोग को लगभग सिमिलर ही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस साइन 100 के सबसे पहले फीचर्स के बारे में बताऊं तो गाड़ी पे आप लोग को फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल दिया जा रहा है, जिस पर कि आप लोग को नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाड़ी पे आप लोग को ऑल हेलोजन लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट पे भी आप लोग को हेलोजन का हेडलैम्प देखने को मिलेगा, रेयर पे भी आप लोग को हेलोजन का ही टेल लैम्प देखने को मिलेगा और गाड़ी का जो चारों इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग को हेलोजन का ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी पे आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बात करी जाए यहाँ पर HF डिलक्स की तो इस पर भी दोस्तों आप लोग को लगभग वैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग को फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल, जिस पर कि आप लोग को नॉर्मली इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे और HF डिलक्स पे भी दोस्तों आप लोग को फुल्ली हेलोजन का ही सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट पे हेलोजन का हेडलैम्प, रेयर पे हेलोजन का टेल लैम्प और गाड़ी का जो चारों इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग को हेलोजन का ही देखने को मिलेगा। और HF डिलक्स पे भी दोस्तों आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को HF डिलक्स पे जो है एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा जो कि है i3S का। तो i3S टेक्नोलॉजी की वजह से जो है HF डिलक्स में जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल सेफ हो जाता है। तो लगभग इन दोनों ही गाड़ियों पे जो आप लोग को सिमिलर फीचर्स देखने को मिलेंगे, बस HF डिलक्स पे आप लोग को एक i3S का ज्यादा फीचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सभी फीचर्स आप लोग को सेम ही देखने को मिलेंगे। बात करें जाए यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों पे आप लोग को सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा और रेयर पे आप लोग को दोनों ही गाड़ियों पे ट्विन सॉक्स देखने को मिल जाएंगे। बात करी जाए इंजन के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे साइन 100 के इंजन के बारे में। तो इस पर दोस्तों आप लोग को 100 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसके पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 7.61 BHP तक की आपको पावर देखने को मिलती है और 8.05 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं बात करी जाए HF डिलक्स की तो इस पर भी दोस्तों आप लोग को 97.2 सीसी का एयर कूल्ड वाला इंजन देखने को मिलता है, जिसके पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो 7.91 BHP तक की पावर देखने को मिलती है और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आप लोग को सेम ही देखने को मिलता है, जो कि 8.05 Nm तक का है। तो यहाँ पर हल्का सा आप लोग को पावरफुल इंजन जो है HF डिलक्स का देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों पे दोस्तों आप लोग को 4 स्पीड गेयरबॉक्स का सेटअप देखने को मिलता है। वहीं स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ तो दोनों गाड़ियों पर जो है आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। यहीं पर बात करी जाए माइलेज के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों पर आप लोग को लगभग सिमिलर ही माइलेज देखने को मिलेगा, जो कि लगभग आप लोग को 65 से 70 KMPL तक का आप लोग को इन दोनों ही गाड़ियों पे माइलेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोग को इन दोनों ही गाड़ियों पे जो है अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर वगैरह देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इन दोनों ही गाड़ियों पे जो है यही कोई डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लगभग सभी चीजें तो आप लोग को सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि 2023 में आप लोग को इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को लेनी चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही बाइक पे जो है आप लोग को सभी चीजें जो है एग्जैक्ट आप लोग को सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। एक फीचर आप लोग को HF डिलक्स में ज्यादा देखने को मिलेगा जो कि i3S टेक्नोलॉजी का है। सो दोस्तों कंक्लूजन ये निकल के आया है कि आप जिस कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आप उस कंपनी की बाइक को ले सकते हैं। अगर आप होंडा कंपनी पे ज्यादा विश्वास करते हैं तो आप होंडा साइन 100 को ले सकते हैं, या फिर अगर आप हीरो कंपनी पे ज्यादा विश्वास करते हैं तो फिर आप लोग हीरो कंपनी की HF डिलक्स को ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को इन दोनों गाड़ियों पे जो है लगभग सभी चीजें जो है सिमिलर ही देखने को मिलती है, चाहे आप फीचर्स देख लो, इंजन देख लो या कोई भी और स्पेसिफिकेशन देख लो। और यहाँ पर जो HF डिलक्स है दोस्तों ये लगभग आप लोग को 2,800 रुपए ज्यादा महंगी भी पड़ने वाली है। तो अब आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को 2023 में ले रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।